ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो नर्स ज्यादा बेहतर है और मामा का ख्याल रख सकती है तो उसे बुलाना। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि उस दूसरे काम का क्या हुआ जो मैंने तुमसे कहा था? जहन में रखना, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, कहीं भी। ठीक है। शिजा, तुमने एक लड़की का जिक्र किया था मुझसे, उससे मिलवाओ तो सही मुझे। आयान, ठीक है, अभी मैं आज ही बुलाती हूँ उसे। अच्छा, उससे कहना कि अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आए, ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सके। पेरेंट्स को एक्चुअली अभी आयान ने अभी अपनी डैड का बिजनेस ज्वाइन किया है और वो चाहता है कि वो बिजनेस में सेट हो जाए तो बात करेगा, उसने मुझे बताया है। हो, ये स्टुपिड बात है। अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन किया है और उसके फादर शहर के जाने पहचाने बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के बिजनेस को उसने कंटिन्यू करना है, इसमें सेट होने वाली क्या बात है? जी आप ही, मगर उसके डैड चाहते हैं कि वो अपनी मेहनत और कोशिश से बिजनेस में जगह बनाए, इस वजह से वो टाइम लेना चाहते हैं। कम ऑन, बहुत ही फजूल बात है। उससे बोलो कि अगर तुम्हें इंटरेस्टेड है तो अपने पेरेंट्स को लेके घर आए, वरना बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे प्रपोजल की मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप मैं आयान से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ जो भी बात होगी। ठीक है, डू लेट मी नो। ओके। ऐसे कैसे हो सकता है? कल मेरी मिस्टर दाने से बात हुई है, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की है, आज आप कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। आप मेरी मिस्टर दाने से बात करवा दें, मुल्क से बाहर चले गए। क्या बातें कर रहे हैं आप? कल बात हुई, आज मुल्क से बाहर चले गए। इतनी जल्दी कोई कैसे जा सकता है? ठीक है, थैंक यू। कोमल, ट्राई तो करो यार, यकीन मानो ऐसा प्लेजर मिलेगा कि सब एडवेंचर भूल जाओ। अजहर, मैंने कभी स्मोक नहीं किया। अरे यार, स्मोक ना किया तो फिर क्या जिया? ट्राई तो करो, ऐसा एडवेंचर तुमने लाइफ में नहीं किया होगा। यार ट्राई करने में क्या हर्ज है, चलो। दो इसे। क्या हो गया? Are you okay? क्या हो गया? Again? Again try? लो मेरी जान, लो। नहीं आज़र। Please go. एक बार मेरी खातिर। रिश्ते की बात? आयान, हमारे रिश्ते की बात क्या हो गया तुम्हें? हमारे रिश्ते की बात? जिजा, come on, क्यों अच्छी खासी दोस्ती के पीछे पड़ी हुई हो? हाँ तो अगर अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो लाइफ पार्टनर्स क्यों नहीं? लेकिन जिजा, it's too early to decide. इतना important decision, कैसे मैं सोचे समझे बगैर ले सकता हूँ? I need some time to think.
इतने सालों की दोस्ती काफी नहीं है ये सोचने समझने के लिए? और कितना टाइम चाहिए तुम्हें आयान? अरे दोस्ती के अलावा मोहब्बत की भी तो जरूरत होती है ना। तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? और तुम ही तो कहते हो ना कि दोस्ती और प्यार एक ही होता है, क्या देना तुम्हें? वो तो एक फिल्म का डायलॉग था। कम ऑन आयान, बी सीरियस, आप ही मेरा रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। तुम्हारी आप ही को किस बात की जल्दी है? क्यों तुम्हारी शादी के पीछे पड़ी हुई है? अभी एंजॉय करो, चिल करो, घूमने फिरने के दिन है, कम ऑन। आप ही को जल्दी नहीं है, आप ही बस ये चाहती हैं कि तुम्हारी फैमिली से मिले और रिश्ता फाइनल। शिजा, अभी इस वक्त मैं इन बातों के मूड में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यार बहुत शदीद भूख लग रही है, लेट्स गो एंड ईट समथिंग गुड। ओके। ओह हेलो मॉम। कोमल कहाँ रहती हो? सारा सारा दिन घर से गायब। वो मॉम फ्रेंड से घर कंबाइन स्टडी कर रही हूँ, तो फाइनल जो सर पर है अब। ये तो अच्छी बात है, मगर तुम ऐसा करो कि अपने क्लास फेलोज को यहाँ घर पे बुला लो, यहाँ बैठकर तुम लोग बड़े आराम से स्टडी कर सकते हो। नहीं मॉम, वो हीरा है ना, उसके फादर हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, तो साथ में उनकी गाइडेंस भी वहीं लेते रहते हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाय डैड। बेटा जब कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। सॉरी डैड। आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, मां बेटी के हाथ की बनी बहुत अच्छी सी चाय पी कर आया, अब मैं आराम करना चाहता। इनके दिमाग पर तो हर वक्त भाई और भतीजी की मोहब्बत सवार है। Now you are getting jealous, mom. मैं क्यों जेलस होगी? मिडिल क्लास लोगों से माई फुट। ओके। ये तुम क्या हर वक्त मोबाइल से चिपटी रहती, या हर वक्त घर से बाहर या मोबाइल पे लगी रहती? तो और क्या करूं मॉम, यहाँ आपके साथ बैठकर उस महा को डिस्कस करूं? सॉरी, ही इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर मी। मामा, मामा, इज़ा, हम क्या कर रही हैं? कमाल आए थे, अभी यहाँ कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत परेशान थे, बहुत गुस्से में थे, मुझे बहुत डांटा है, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है आप उठे, आप उठे, आप उठे, मुझे बहुत डर, उठे जल्दी से। यहाँ खड़े हुए थे, मुझे डांट के गए। आप उधर बैठे बैठे, आप पैर ऊपर करें, बैठे आराम से, बैठे 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 बैठे, आप उठो, क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने सुलाने के लिए नहीं बुलाया। मैं इधर ही। ये क्या हरकत की है तुमने? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं चला। तुम्हें यहाँ सोने के लिए रखा हुआ है या इनका ख्याल रखने के लिए? सॉरी मैम, आइंदा नहीं होगा। आइंदा नहीं होगा। उसकी ये जरूरत कि वो ज़मान हुसैन के साथ मुकाबला करे? नहीं करना हमने उसके साथ बिजनेस, डील कैंसिल कर दो। सर सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। आपके लिए कॉफी लूँ? नहीं, सुबह भाई की तरफ जाना फल लेकर, मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी।
बेहतर सर। शिजा, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी उठ गई आज? हाँ भी, बस आज जल्दी आंख खुल गई। चलो दैट्स नाइस, इकट्ठा बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। या श्योर। वो आप भी, मुझे आपको बताना था कि आज आयान आपसे मिलने आ रहा है। आयान? ठीक है, एक काम करो, उसे डिनर पे इनवाइट करो, कुछ अच्छा सा अरेंज करवा देना। ओके ओके, आप भी, आप रेडी होकर आ जाए, मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ टेबल। आई एम जस्ट फाइन। ओके, जी मिस नताशा, डॉक्टर से कितने बजे मिलना है और कौन सा हॉस्पिटल है? चलिए ठीक है, मैं मामा की रिपोर्ट्स लेके पहुँचती हूँ। थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी ठीक कह रही है। मैं थोड़ा सा फ्रूट अपने साहब को खिला लूं, फिर मैं ले जाता हूं। ठीक है बाबा, अल्लाह जीती रहो, जीती रहो। तुम खा लो एक पीस और। तुम खाओ दूसरे। मैं खा लूं? हमेशा मुझसे पूछी खाते हो गए। साहब जी प्यार भी तो फिर आप ही से है ना मुझे, और आप ख्याल भी कितना रखते हैं। आपको पता है इस तस्वीर में आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैम ये जूस पी ले। क्या है, मुझे नहीं पीना है जूस। हर वक्त तुम मुझे ये कड़वे जूस पिलाती रहती हो और बदजायका खाने खिलाती हो। जाओ यहां से, मेरी बेटी को आने दे, तुझे मैं बताऊंगी। जाओ यहां से। क्या हुआ है? मैडम ये जूस नहीं ले रही। क्या है ये? मैम ये चकोतरे का जूस है, मैम नौशीन ने भेजा है पिलाने के लिए। और मैडम नौशीन खुद कहाँ है? वो फोन पे बिजी है। अच्छा ले जाओ, मामा को ये नहीं पीना तो ठीक है, मैम नौशीन को बोलो इसके रिप्लेसमेंट में कुछ और भेज दें। मामा आपको जो पसंद है आप वो बता दिया करें ना, मैं कहकर वो बनवा दिया करूंगी। मुझे ना आइसक्रीम पसंद है। कमाल मुझे ना रोज रात को आइसक्रीम खिलाने लेके जाया करते थे, मगर अब उन्हें पता नहीं क्या हो गया, अब लेके नहीं जाते हैं। अच्छा ठीक है, आपको आइसक्रीम खानी है ना, मैं अपनी मामा को कल लेके जाऊंगी। ठीक है, आज तो आपसे कोई खास मेहमान मिलने आ रहा है इसलिए हम कल जाएंगे। पक्का वाला? पक्का। आपने पूछा नहीं कि कौन खास मेहमान मिलने आ रहा है? मुझे पता है, कमाल आ रहे हैं। शहर से बाहर बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे ना, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। आज मैं उनकी पसंद की साड़ी पहनूंगी, पता है ब्लैक वाली, उनको बहुत पसंद है। हाँ देखो देखो कितना हंस रहे हैं यहाँ पे, कमाल। एक तो बोलते क्यों नहीं है ये, हद हो गई। अब मैं आपसे नाराज हूं, मैं भी नहीं बात करूंगी। जाएं।